नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहां एक तरफ योगी सरकार ने गरीबों को 3 महीने फ्री गल्ला देने का ऐलान किया है, वहीं बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के आदेश के बाद कोटेदार द्वारा गरीबों को फ्री में गल्ला वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि चित्रकूट तहसील मऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत मवई कला में फ्री खाद वितरण किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों से जब सवाल किया गया कि क्या आपसे पैसे लिया जा रहा है, तो ग्रामीणों ने बताया कि नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहीं ये बताओ, जब से फ्री अनाज आवा है, फ्री वाली व्यवस्था रही अनाज के, फ्री में मिलता है, सरकार ने दिया है, तो क्या आप लोगों से कोई पैसा लिया गया? नहीं लिया, नहीं लिया गया। भूख फूल के बताओ, पैसा को मांगा, जोर से बोलो जाके, कोई पैसा नहीं लेगा ना। कोटेदार ने बताया कि गांव के कुछ भी बच्ची लोग बदनाम करने के लिए हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे घर में साजिश के तहत एक महिला पत्रकार को बुलाकर हमारे खिलाफ कुछ महिलाओं द्वारा झूठा रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मीडिया वाले, मीडिया वाले सब यही लोग हैं, इनका कुछ और भी पक्षी जिनसे आपकी शिकायत पहले हुई थी? वही बच्ची लोग थे, बढ़ा चढ़ा के, मतलब और बताया बढ़ा चढ़ा के, थोड़ी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके, मतलब उनको मीडिया ने नहीं दिखाया और अपने अपने मर्जी से अपने बयान को, अपना फर्जी वालों को बयान फर्जी माध्यम से दिखाया गया है। तो बोली आप लोग की पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है? आप नहीं बोल रहे हैं? कोटेदार के यहाँ आप आए हैं ना? आपको अनाज फ्री में मिलता है? फ्री मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता? कोई पैसा नहीं लगता। तो जो मीडिया वाली आए वो केवल अफवाह करवा रहे हैं? वो तो सब झूठ बोल के केस बना रहे हैं। जवाब नहीं है। नाम क्या है आपका? मूर्ति। गल्ला लेने आई हो? हाँ। कोई पैसा नहीं लग रहा है? नहीं लगा। जब फ्री अनाज आया तो अपने कोई पैसा कोटेदार ने अपने लिया नहीं फ्री वाले में? और कोई दबाव में तो नहीं बोल रहे हो आप? दबाव न के कहे, कल मीडिया कर्मी आए तो वो लोग आपको सिखा पढ़ा करके बुलवा रहे हैं जबरदस्ती? क्या कहा थे? हम तो जबरदस्ती नहीं बोलिए। आप नहीं बोले हो? वही हमसे 10,000 रुपए मांगा गया और कहा कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आपको फंसा देंगे। जब हमने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बच्ची लोगों के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जिसने हमें बदनाम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और सरकार से अनुरोध करूँगा कि मामले की सही जाँच पड़ताल करके बदनाम करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं चित्रकूट से हमारे रिपोर्टर अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। बने रही द खबरदार न्यूज के साथ। तो जब से अनाज फ्री आया है, जब से फ्री मिल रहा है, तब से कोई पैसा लिया गया कभी? कुछ नहीं, एक नंबर है। और कल मीडिया वाले जो आए थे वो बढ़ा करा करके, मतलब आप लोगों को सिखा करके बात करवा रहे? हाँ, सिखा करके बात कर। ठेकेदार का कहना है 1,500 रुपए हमसे पहले मांगे थे, नहीं कह रहे थे बढ़ा करा के दिखा देंगे? आप कोई दबाव में तो आप नहीं बोल रहे? अभी नहीं। आपको अनाज बराबर मिल रहा है? बराबर। ये बताओ, जब से फ्री अनाज आवा है, फ्री वाली व्यवस्था रही अनाज के, फ्री में मिलता है, सरकार ने दिया है, तो क्या आप लोगों से कोई पैसा लिया गया? नहीं लिया गया। भूख फूल के बताओ, पैसा को मांगा, जोर से बोलो जाके, कोई पैसा नहीं लेगा ना। हाँ।